यूपी के बुलंदशहर में दो दोस्तों ने अपने ही दोस्त का अपहरण कर गला रेत कर हत्या कर दी और हत्या के बाद भ्रमित करने के लिए 7 लाख की फिरौती मांग डाली। पुलिस की माने तो भारत पर मृतक राजेंद्र के पैसे थे और उन्हीं पैसों को देने से बचने के लिए भारत अपने दोस्त के अपहरण और हत्या की साजिश रच वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने अपहरण कर हत्या के दोनों आरोपी दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर के इमलिया में रहने वाले भारत और अंकुश जैन पर अपने दोस्त राजेंद्र की कल अपहरण करने के बाद हत्या करने का आरोप है। पुलिस की माने तो राजेंद्र गांव में ही किराने की दुकान करता है और कल शाम राजेंद्र का उसके ही दोस्त भारत और अंकुश ने सिर्फ इसलिए अपहरण कर लिया क्योंकि भारत पर राजेंद्र के लाखों रुपए का लेन देन था। भारत उधार के रुपए देने से बचना चाहता था जिसकी वजह से दोस्त के अपहरण और हत्या की साजिश रच वारदात को अंजाम दे डाला। साजिश के तहत राजेंद्र का अपहरण किया और फिर हत्या की और हत्या के बाद परिजनों को भ्रमित करने के लिए राजेंद्र के भाई को फोन कर 7 लाख की फिरौती मांग डाली। मेरा नाम संजय कुमार है और जो इसका हाथ हो मेरा भाई छोटा भाई है राजेंद्र। मैं घर से 2 बजे दुकान के लिए आया तो वो दुकान से यानी कि बिना बाइक के वो वहाँ से निकल गया और कुछ समय बाद वो भारत और अंकुश के साथ गाड़ी पे बैठे हुए दिखाया। फिर 3-4 बजे के बाद छोटा भाई आया, वो दुकान पर रह गया, मैं घर चला गया। उसने बीच में कॉल करी और मैंने भी कॉल करी, बीच में तो कोई संपर्क नहीं हुआ हमारा, कॉल यानी कि रिंग बजती गई, कोई से संपर्क नहीं हुआ। तो आखिरकार 5:45 बजे के आसपास उसका फ़ोन बंद हो गया। तो मैं तो खाना पीना खा के दुकान पर आया तो 5:45 बजे के आसपास मेरे पास कॉल आती है कि आपका भाई अपहरण कर लेगा उसका, किसी कारण उसकी कॉल कट जाती है। फिर 2-3 मिनट बाद फिर कॉल आती है उसकी कि आपका भाई का अपहरण हो गया है और आप 7 लाख फिरौती की इंतजाम करो, अगर आपने पुलिस को इन्फॉर्म करी। हमारे साथ ही आपकी हमारी वो कह रहे थे हमारी दुकान के पास और घर पर लगे हुए हैं, अगर कुछ गड़बड़ करी तो हम आपको ये ख़त्म कर देंगे। तो ख़त्म हो गया। एक कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के इमलिया गांव का एक राजेंद्र सिंह है, लोधे राजपूत था, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष है। ये गांव में ही परचून की दुकान चलाता था। इसी की दुकान के सामने इसी की जाति का एक भारत नाम का व्यक्ति है जो लगभग 22 साल की उम्र का है। वो अपने मामा के यहाँ नौकरी करता था, उनकी फैक्ट्री है कुछ लोहे के सामान बनाने की। दोनों अभिन्न मित्र थे और परमानेंट एक साथ रहा करते थे। भारत ने कल शाम को लगभग दोपहर को लगभग ढाई बजे के आसपास राजेंद्र को मीट खिलाने के नाम पे मोटरसाइकिल पे बैठा के अपने साथ ले गया और इसके साथ एक इसका तीसरा साथी अंकुश जो कॉमन फ्रेंड था जो लगभग 19 साल का है, ये भी साथ में था। ये तीनों एक साथ चले मंडी चौराहे के पास से इन्होंने मीट खरीदी। इस बीच भारत ने मेडिकल स्टोर से 20 नींद की गोलियाँ खरीद ली थी और ये लोग हजरतपुर गांव के एक जंगल में जो लीची का बड़ा बाग है वहां गए, वहां बैठ करके इन सब ने साथ में बियर पिया। बियर पीने के बाद मीट खाया और मृतक राजेंद्र के मीट में इन सब ने नींद की गोली मिला दी थी और मीट खाते खाते वो गहरी नींद में आ गया। फिर ये अपने साथ टोपाज ब्लेड ले गए थे, उस ब्लेड से उसकी गर्दन की नस काट दी लगभग दिन में 3:30-4 बजे के बीच में। इसके बाद वहाँ जंगल में ही उसे छोड़ करके वापस आ गए और कपड़े आदि इन्होंने बदल लिए। फिर शाम को शव को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से पुनः दोबारा गए और वो एक सूखा कुआं करीब 200 मीटर की दूरी पर उसी जंगल में था, निर्जन स्थान है, वहाँ पर उस सूखे कुएं में इन्होंने शव को ले जाके डाल दिया। वहाँ से फिर मृतक का ही मोबाइल फ़ोन लेकर के वापस लौट करके शहर क्षेत्र में आए। यहाँ आने के बाद उन्होंने मृतक के मोबाइल से उसके भाई सुरेंद्र को फ़ोन करके बताया कि तुम्हारे भाई का अपहरण हो गया है, 7 लाख रुपये की फिरौती जो है तैयार रखना, जब बताएंगे तो पहुंचाना। तो हत्या ये पहले कर चुके थे और केवल भ्रमित करने के उद्देश्य से 7 लाख की फिरौती की बात इनके द्वारा की गई। बाद में जैसे ही फोन उसके पास 7:30 बजे के आसपास आया, पुलिस को सूचना दी गई, तत्काल हमारी पूरी टीमें स्वाट टीम हम लोग और थाने की पुलिस लग गए। पूछताछ में ये जानकारी में आया कि एक लड़के ने मंडी चौराहे पर मृतक को भरत के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ कर जाते हुए देखा था। उस अनुसूचना के आधार पर भरत को रात में उठाया गया, गहरी पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद घटना का खुलासा हुआ
इसका दूसरा साथी अंकुश भी रात में ही गिरफ्तार किया गया। इनकी निशानदेही पर शव को सूखे कुएं से बरामद कर लिया गया। इस तरह दोनों अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं और शव की बरामदगी हो गई है। अभियोग का अनावरण किया जा चुका है। पुलिस की माने तो एक हत्या आरोपी परिजनों के साथ घूमता रहा और राजेंद्र की तलाश में जुटा रहा, मगर शक होने पर उसे गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की गई और हत्याकांड का खुलासा हो गया। बुलंदशहर से टाइम 24 न्यूज के लिए हामिद सैफी के साथ शमसुद्दीन सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।